हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। किसी फ्रैक्शन की अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को लिख देते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। 2 + 5 = 7, 7/11 ये प्रॉपर है तो इसमें चेंज नहीं होगा। और अब ये देखिए, इसे है 7/12 + 11/16, 9/24। अब इसको ऐड करना है कि डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। फ्रैक्शन के प्लस और माइनस में डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। 12 = 16 = 24 2 6 = 12 2 8 = 16 2 12 = 24 2 3 = 6 2 4 = 8 2 6 = 12 2 2 = 4 2 3 = 6 2 × 2 = 3 इसे करेंगे 1 1 1 2 × 2 × 2 × 2 × 3 2 2 = 4 4 2 = 8 8 2 = 16 16 3 = 48 टेबल्स रंग कर लीजिएगा। अपॉन लगा के 48 लिख दिया। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है? 12 है, तो 12 की टेबल में 48 कितनी बार में आता है? 12 की टेबल में 48 फोर टाइम में आता है ना। 12 × 4 = 48 फोर टाइम में, तो 4 × ऊपर क्या है, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं 7। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले डिवाइड करेंगे। तो 16 के टेबल में 48 थ्री टाइम में, 16 × 3 = 48 तो 3 × 11। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 24 24 के टेबल में 48 टू टाइम में, 24 × 2 = 48 टू टाइम में आए 2 × 9 4 7 = 28 11 3 = 33 9 2 = 18 1 = 48 28 33 और 18 को ऐड कर लेते हैं। 79 79/48 ये दो नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है, यानी ये सिंपल फॉर्म में है। ये इम्प्रॉपर है, डिनोमिनेटर छोटा हो तो इम्प्रॉपर, जब भी अगर इम्प्रॉपर होता है तो मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब मिक्स में कन्वर्ट करने क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 48 1 = 48 31 तो कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, कोशेंट रिमाइंडर 31 अपॉन डिवाइजर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सी पार्ट ऑफ इट। 3 and 4/5, 2 and 3/10 एंड 1 and 1/15 इसे मिक्स फ्रैक्शन में है तो पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स को इम्प्रॉपर में बदलने के लिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं। 5 3 = 15 15 4 = 19 / 5 10 2 = 20 और 3 23 / 10 15 1 = 15 और 1 16 / 15। अब डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, 5 10 15 का एलसीएम निकालेंगे, 30 आएगा। आप लोगों को शॉर्टकट नहीं पता तो आप लोग रफ में कर सकते हैं। 2 5 = 10 15 5 से करें 5 1 = 5 1 = 5 3 = 15 2 × 5 × 3 2 5 = 10 10 3 = 30 बड़ा सा डैश बनाएंगे, 30 लिख देंगे। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 5 है, 5 के टेबल में 30 पर डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 के टेबल में 30 6 टाइम में, 6 × 19 इसका डिनोमिनेटर कितना? 10 10 के टेबल में 30 3 टाइम में, 3 × 23 प्लस इसका डिनोमिनेटर कितना है? 15 15 के टेबल में 30 2 टाइम में, 2 × 16 पर मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 6 = 114 23 3 = 69 16 2 = 32 / 30 सबको ऐड कर लेंगे। 114 9 = 32 9 4 13 to 15
6 to 8 to 11 and 215 upon 30. We can see that the both number are divisible by 5 because both are ending with 5 or 0. 5 4 are 20, 5 3 are 15, 5 6 are 30. 43 upon 6, both numerator and denominator are not divisible by any number. Improper है, denominator छोटा है तो improper, उसको mix में convert कर लेंगे. mix में convert करने के divide करते हैं, 6 7 जा 42 1. formula क्या होता है, quotient remainder upon divisor. quotient remainder upon divisor. thank you. please like my video.